भी माफ हो जाती हैं जब आप कार्तिक महीने में खास विधि से स्नान करते हैं। आज के दिन का स्नान और किस नक्षत्र में है आज आप, ये भी हम जानकारी आपको बताएंगे आगे। लेकिन खुर्जा से हमारे साथ नवीन जुड़ गए हैं जी, आपका स्वागत है शो में। नवीन जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी, हेलो जी नवीन जी, बताएं। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार पंडित जी, मैं नवीन नेकपुर बुलंदशहर से जी। जी, जन्म तिथि मेरी 2 अक्टूबर 1973 जी। समय? दिन मंगलवार, दिन 11:15 जी। 11:15। और स्थान? ये नेकपुर बुलंदशहर। बुलंदशहर, क्या सवाल है आप? नेकपुर जी जी, जिला आपने बताया है बुलंदशहर ना, हमने वो नोटिस नोट कर लिया है। तो क्या सवाल क्या है आपके नवीन जी? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। सबसे पहले जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, मैं चाहता हूँ अपनी पुरानी जगह वापसी हो जाए, क्या ऐसा मेरा हो सकता है? और एक मेरा जो भी मैं करता हूँ वो सेविंग कम होता है, खर्च बहुत होता है जी। बिल्कुल, देखिए वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक राशि बनती है, चंद्रमा नीच के हैं लगन में और शनि केतु का योग अष्टम भाव में है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि खर्च तो होता ही होता है। सूर्य की महादशा, शुक्र की अंतरदशा चल रही है, तो शुक्र की अंतरदशा में मैं आपको यही कहूंगा कि कुछ अच्छे जॉब के योग 25 जनवरी 2017 से है। मोती पहनिए, बड़ा लाभ होगा। मन में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल, इधर उधर का भटकाव भी है जॉब को लेके, तो मोती पहनिए। मोती कम से कम आप 8-8.5 रत्ती का पहनिए, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनिए, बहुत लाभ होगा। ये उपाय कीजिए, आपका लाभ आपके सामने रहेगा जी हाँ। राशिफल भी बस हम आपको बताएंगे, आज का दिन का पूरा हाल, पूरा ब्योरा, राशिफल। शुरुआत पहली 6 राशियों से होगी पहले, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं लकी अक्षर के बारे में। ये तो बहुत ही शुभ होता है, लकी है आपके लिए, तो नोट कर लीजिए अपने अपने राशि के अनुसार अपना अपना लकी अक्षर। बात करेंगे लकी अक्षर की जो राशि के अनुसार है। शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए लकी अक्षर रहेगा आपका न। वृषभ के लिए ज अक्षर। मिथुन राशि की बात करें तो म अक्षर, और कर्क राशि वालों के लिए ल अक्षर। सिंह राशि वाले लोग क अक्षर, और कन्या राशि के लोग ई, छोटी। तुला राशि के लोग स अक्षर, और वृश्चिक राशि के लिए क अक्षर। धनु राशि के लिए ई अक्षर, और मकर राशि के लिए प अक्षर। कुंभ राशि के लिए ट अक्षर, और मीन राशि के लिए ल अक्षर। ये आपका लकी अक्षर है। 24 घंटे आप अपने पास रखिए, फिर चमत्कार देखिए जी हाँ। और अब हमीरपुर से हमारे साथ राजकुमार जुड़े हैं जी, आपका स्वागत है शो में। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम राजकुमार जी। आचार्य जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 1/8/1996 जी। 1/8/96। समय? 5:45 सुबह। और स्थान? 5:45 मॉर्निंग में जी हाँ। और जन्म का स्थान? शिमला जी। शिमला, क्या सवाल है आपके? आचार्य जी, मैं एक बार 6 महीने पहले मेरी आपसे बात हुई थी, ये इस बेटे के पढ़ाई के बारे में देखे हैं, इसके पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, ये बार बार पढ़ाई छोड़ रहा है। इसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ली, वहां से पढ़ाई छोड़ दी, अब दूसरे कॉलेज में एडमिशन ली, वहां से पढ़ाई छोड़ना चाह रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या बात है, आलसी बहुत है। आपने जो उपाय बताए थे वो मैंने किए थे, कृपया मुझे गहराई से दूर सोच के बताएं ग्रह कैसे हैं, कब तक ये दशा में सुधार आएगा जी। कर्क लगन की कुंडली बनती है और कुंभ राशि बनती है, बृहस्पति की महादशा और शनि की अंतरदशा, और शनि जो है इनके वो भाग्य भाव में केतु के साथ बैठे हैं, भटकाव की स्थिति पैदा तो करते ही हैं शनि। कई बार ये ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि देखिए गैप भी दे देते हैं पढ़ाई लिखाई में, तो यहाँ पे इनको उपाय करना पड़ेगा मंगल का। विद्यापति मंगल, विद्या भाव के स्वामी मंगल शुक्र के साथ 12वें भाव में बैठे हैं, तो भटकाव चल रहा है ज्यादा, तो मूंगा धारण करवाइए। और साथ ही साथ मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, ये जरूर करवाइए,
आप क्या करें कि लाल फूल की माला, कोई भी लाल फूल ले लीजिए, गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, लाल फूल की माला मंगलवार के दिन सुबह के समय में हनुमान जी को चढ़ाइए और वहां पे आप ही कर डालिए। ये बेटे के लिए बड़ा लाभ मिलेगा। और वहां पे एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए हनुमान जी के सामने, मूंगा जरूर पहनाइए, लाभ जरूर होगा। बिल्कुल, माता पिता हमेशा ही चिंतित रहते हैं अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। जैसे देख रहे हैं कि पढ़ाई को लेकर के आपकी चिंता बनी हुई है, यकीनन आप चाहेंगे बच्चा बिल्कुल सही पढ़ाई करे और मन लगा के पढ़ाई करे, आलस दूर हो जाए। अहोई अष्टमी है और आज के दिन व्रत कर रही हैं महिलाएं संतान के लिए ही, कि संतान जो है हमेशा उन्नति हर क्षेत्र में प्राप्त करें और दीर्घायु हो। आगे भी जानकारी आपको मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे राशिफल के बारे में। तो शुरुआत कर लेते हैं पहली छह राशियों से। मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जितने भी जातक हैं, आइए उनको सबसे पहले बताते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। जी, बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए तो जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आपको व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा। संतरी रंग अपनाएं, 55% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। वृषभ राशि की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो विवाद है वो समाप्त होगा, मित्रों से भी लाभ मिलेगा। आपको पीला रंग सुप्ता लिए हुए है, 90% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं, आर्थिक दिशा में जो भी प्रयास कर रहे हैं वो सफल होगा प्रयास आपका, लेकिन उन मित्रों से दूर रहिए जो ज्यादा चालाकी दिखाते हो। नीला रंग सुप्ता लिए हुए है, 75% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए दिन बड़ा ही सुकून वाला है। घर में जो कलह का वातावरण था वो खत्म हो जाएगा। विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा, बादामी रंग शुभता बढ़ा रहा है, 69% के साथ भाग के आगे की ओर बढ़ा रहा है। सिंह राशि की बात करें, धन लाभ का योग बना हुआ है, कानूनी विवादों में भी सफलता प्राप्त होगी। बैंगनी रंग शुभता बढ़ा रहा है और 80% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। कन्या राशि की बात करें, रिश्तों में सुधार होंगे, साथ ही साथ नए काम की भी योजना बनेगी आज के दिन। गुलाबी रंग शुभता बढ़ा रहा है और 60% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बिल्कुल, और आगे हम आपको बताएंगे कि आज के दिन का स्नान किस विधि से आप करें, कार्तिक महीने का आप लाभ उठाएं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, अब आचार्य जी अहोई अष्टमी है और जैसे कि हम बता रहे हैं संतान को लेकर के जानकारी दी जा रही है। दो तरह की स्थिति में अगर आपके बच्चे दूर हैं, या तो बच्चे पढ़ाई के लिए चलते या फिर अपने नौकरी के चलते आपसे दूरी उनकी बनी हुई है, या फिर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि बच्चे ही आपसे जानबूझकर दूर रह रहे हैं, यानी कि आपके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में आज के दिन यानी कि अहोई अष्टमी पर अगर आप कुछ खास प्रयोग करते हैं तो यकीनन जो दूरियां हैं वो नजदीकियों में बदलेगी। बच्चों को एहसास होगा कि उनके माता पिता ने उनके लिए कितना त्याग बलिदान दिया हुआ है। तो प्यार को बढ़ाने के लिए, संतान की नजदीकियां आपसे बढ़ाने के लिए क्या उपाय आज के दिन आप कर सकते हैं, आइए अब आपको बताते हैं। जी आचार्य, बिल्कुल। देखिए, कई बार होता है कि संतान घर छोड़ के चली जाती है, ये कोई बात नहीं है। माता पिता कष्ट में आ जाते हैं और आजकल अक्सर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि संतान रुठ गई और चली गई घर से। करना क्या है इस अष्टमी पे, आहुई अष्टमी पे, कि माँ आहुई की पूजा तो करनी है। पूजा के पश्चात क्या करें कि जो माता को कुमकुम चढ़ाया जाता है वो उठा लें, पान भी चढ़ाया जाता है, पान का पत्ता, कुमकुम उठाइए, पान का पत्ता उठाइए और उस कुमकुम से पान के पत्ते पे अपने बच्चे का नाम लिख दीजिए। माँ से मनोकामना मांगिए कि आ जाए, सद्बुद्धि दें, आ जाए घर पे और अपने घर के मंदिर में संभाल के रख दीजिए। और मतलब क्या होगा कि जो बच्चे आपसे दूर गए हैं या घर के जो भी लोग दूर गए हैं रूठ के, वो धीरे 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 नजदीक आ जाएंगे और आएंगे तो दोबारा कभी आपसे दूर नहीं होंगे। और अब हम बात कर लेते हैं, सौरभ जुड़े हैं हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में सौरभ, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। अच्छा, तो बताएं अपने बारे में आप। हाँ, मेरा बर्थडे है 7/7/2004। फिर से बताएं। जन्म स्थान है इंदौर और टाइम है 1:00। आपने
7/7/2004 बताया अपनी जन्म की तारीख। हाँ। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, एक बार आराम से, क्योंकि आप थोड़े छोटे हैं और हो सकता है आप जल्दबाजी में अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं, तो एक बार फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ ये सही है, डेट ऑफ बर्थ 7/7/2004। अच्छा, और समय? समय सवा एक। सवा एक, ये दोपहर का समय है या फिर रात्रि? सुबह का समय। सुबह जी। और स्थान? दोपहर का, दोपहर। दोपहर का ही जी। और स्थान? स्थान इंदौर। इंदौर। क्या सवाल है आपके? अब मुझे पूछना है कि मेरा भविष्य कैसा है। अच्छा, भविष्य कैसा है आपका? अच्छा बताइए अब आप। तुला लगन की कुंडली बनती है और कुंभ राशि है। अब भविष्य की बात करें तो देखिए, अभी तो भविष्य यही है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आलस से दूर रहें, यही भविष्य आगे का अच्छा बनाता है। शनि की महादशा है तो शनि जिस भाव में है, बोलते तो बहुत ज्यादा होंगे आप, कम बोलिए। साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पढ़ाई लिखाई में चंद्रमा बैठे हैं पंचम भाव में, तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है आपको, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे। हाँ, आपको एक चीज जरूर बताएंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, टाइम से खाना पीना खा लीजिएगा, शरीर सही है तो सब सही है। सुबह उठ के भगवान सूर्य का दर्शन करना शुरू कीजिए, नियम बना लीजिए जीवन का, सुबह भगवान सूर्य का दर्शन, जिंदगी में कभी भी असफल नहीं होंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे और आशीर्वाद है हमारा। Yeah. आशीर्वाद जितना बटोर सकते हैं आप सौरभ जरूर लिया कीजिए, और हमें अच्छा लगता अगर आप आचार्य जी को प्रणाम करते, आशीर्वाद यहाँ से ले रहे होते, माता पिता के चरणों को जरूर जो प्रणाम किया कीजिए। फिलहाल अब बारी आ गई है किचन पिटारे की, अब हम आपको बताते हैं फायदा। फायदा ये है कि आपकी दो प्यारी सी आंखें, लेकिन इनमें आ रही है कुछ परेशानियां, आंखों में जलन या फिर आंखों से लगातार पानी निकलता रहता है, आपको लगता है आंखें बहुत वीक हो रही हैं आपकी, तो ऐसी सभी स्थितियों में किचन पिटारा आपकी मदद करेगा। तो क्या है प्रयोग, आइए आपको बताते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए, बात करेंगे किचन पिटारा की। तो किचन से आज हमारे पास जो सामग्री है, बहुत ही मजबूत सामग्री है, तेज सामग्री है, लाल मिर्च। अब लाल मिर्च का नाम सुन के तो कई लोग तो मतलब सोच रहे होंगे कि क्या, लेकिन आपको मालूम है लाल मिर्च कई तरह के विटामिन इसमें पाया जाता है। लाल मिर्च में, सूखा हुआ लाल मिर्च, विटामिन सी, एसिड, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, तथा आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है लाल मिर्च खाना, सेवन करना। स्किन की प्रॉब्लम हो या फोड़े फुंसी, बच्चों को जब फोड़े फुंसी होना, तब लाल मिर्च इसको कूट के आप किसी भी रूप में सेवन करवाइए, कोई जरूरी नहीं कि रोज करवाइए, उसका फायदा आपको बहुत मिलेगा। अब नींद नहीं आती है आपको, आंखों में जलन या आंखों से पानी गिरता है, अब बताते हैं उपाय कि लाल मिर्च का क्या उपाय करें कि नींद भी आए और आंखों में जलन भी खत्म हो जाए। ऐसी स्थिति में आप 7 लाल मिर्च ले लीजिए, उसको जला दीजिए और देसी घी की कुछ बूंदें उस पे डाल दीजिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं डालना है, कुछ बूंदे डालिए, और इसका जो धुआं होगा पूरे घर में दिखाइए, और इससे क्या होगा कि इसका धुआं अगर आंखों में भी लगता है, आप इफेक्ट देखेंगे कि आंखों का जलन खत्म हो जाएगा। जिनको नींद नहीं आती है रात को, नींद आनी शुरू हो जाएगी, आंखों का पानी गिरना खत्म हो जाएगा और खूबसूरत आपकी आंखें भी खूबसूरत हो जाएंगी। और लाल मिर्च का वैसे जनरली आप सेवन करते हैं तो मान के चलिए कि स्किन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। बिल्कुल।
और चलिए आगे राशिफल की बात भी करेंगे, तुला से लेकर के मीन तक के राशिफल की बारी आएगी, पर उससे पहले कार्तिक महीना चल रहा है, हम आपको बता रहे हैं ये महीना बहुत ही शुभ होता है, श्री हरि विष्णु जी का महीना होता है। आज का नक्षत्र क्या है और आज के दिन किस विधि से आप स्नान करें, आइए आपको बताते हैं जी आचार्य जी। बिल्कुल, बात करते हैं कार्तिक महीने की। तो कार्तिक महीना में दान स्नान बहुत मायने रखता है, भगवान विष्णु की पूजा बहुत मायने रखता है। नक्षत्र क्या है कार्तिक महीने में, आज का जो नक्षत्र है आज आद्रा नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र राहु स्वामी है, राहु से संबंधित है। और जब स्नान करें तो आप हरी दुर्वा जल में हरी दुर्वा डालें, अक्षत डालें। जिन लोगों को राहु से संबंधित समस्या है, राहु का कोई कुंडली में दोष है, तो ऐसी स्थिति में समस्याएं खत्म होती हैं, राहु भी शांत होते हैं और स्किन से संबंधित जो परेशानियां हैं वो खत्म हो गई। और सबसे बड़ी चीज है कि राहु जब अच्छे हो ना ज्ञान बढ़ाते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तो ज्ञानवान बनिए। बिल्कुल, और चलिए अब हम बात करेंगे राशिफल में बची हुई राशियों के बारे में, यानी कि तुला से लेकर के मीन तक के सभी जातक, चाहे वो बच्चे हैं, स्कूल जा रहे जाने वाले हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आप जॉब करते हैं या व्यापारी हैं, दिन कैसा है आपके लिए बताते हैं आपको, राशिफल जान लेते हैं जी। बात करेंगे तुला राशि की, तो तुला राशि वालों के लिए दोपहर के बाद का जो दिन है अति उत्तम है, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका, सफेद रंग सुप्ता बढ़ा रहा है, 89% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो वृश्चिक राशि के लिए पारिवारिक जिम्मेवारी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, धन निवेश से लाभ होगा आपको, आसमानी रंग अपना है, 65% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। धनु राशि की बात करते हैं, व्यापार में तरक्की का दिन है आज का, कोई विशेष कार्य आज जरूर पूरा होगा आपका, भूरा रंग सुप्ता लिए हुए है, 75% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी, अधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा, हरा रंग सुप्ता लिए हुए है, 88% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए तो आज का दिन कोई नया कार्य जरूर आपका प्रारंभ होगा, प्रेम प्रसंगों में भी सफलता मिलेगी आपको, कॉपर रंग अपना है, 80% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए है। मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि के लिए जो यात्राएं आज की हैं लाभकारी रहेंगी, मान मर्यादा भी बढ़ेगा आपका, लाल रंग अपना है और 70% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और अब दिल्ली से उषा जुड़ गई है, उषा जी आपका स्वागत है शो में। नमस्कार चंचल जी। नमस्कार उषा जी। आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। सर मुझे अपने पति के बारे में जानना है। जी बताएं, जन्म की तारीख? जो उनका 1974 का जन्म है और तारीख नहीं, टाइम नहीं पता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं उषा जी, ऐसी स्थिति में हम एक ही चीज कर सकते हैं, वो है प्रश्न कुंडली का सहारा ले सकते हैं हम, तो अपना सवाल पूछिए और जवाब ले लीजिए। बिल्कुल जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी आप लोग जो लकी अक्षर देते हो आचार्य जी, इतना कारगर होता है, जो एक बार मार्च में एक्सीडेंट हो गया था तो पे भी वो बच गए और चोट वोट बिल्कुल नहीं आया, रात को भी एक्सीडेंट हो गया था लेकिन लकी अक्षर की वजह से वो ठीक से कुछ भी नहीं हुआ उनको। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, उषा जी। और बता, वो इतना पीने लगे हैं, बीच में छोड़ देते हैं और फिर पीने लग जाते हैं इतना, और उल्टा सीधा बकते रहते हैं, इन चीजों से मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे पड़ोसी से भी कुछ अनबन हो गया, उसने भी ऊपर से केस कर दिया झूठे आरोप लगा के। जी, जी, जी। और मैं इनको समझाती हूँ, ये मेरी सुनते नहीं है। देखिये, अभी का जो प्रश्न कुंडली तैयार हुआ है परेशानियों वाला है, घर की परेशानी है, स्वास्थ्य की भी परेशानी है, आपके भी स्वास्थ्य की परेशानी है, आपको उपाय बता रहे हैं, आप कीजिए, हर चीज सही होगा। आप क्या करें कि सोमवार के दिन भगवान शिव पे जल चढ़ाइए, और जो अर्घा में जल गिरता है ना चढ़ाने के बाद, वो थोड़ा सा जल उठा ले आइए, आप वहां से किसी पात्र में ले आइए और वो जल ले आकर आप अपने पीने वाले जल में मिला लीजिए, इनको भी पिलाइए, आप भी सेवन कीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, जरूर ये बुरी संगतों से, बुरी आदतों से बाहर आ जाएंगे और जो ये अड़चने हो रही हैं ये भी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, और अब यवतमाल से हमारे साथ दिलीप जुड़े हैं जी, आपका भी स्वागत है शो में।
हेलो जी, यवतमाल से जीत चंदला बोल रहा हूँ जी। मैंने लड़के के बारे में पूछना था। जन्म की तारीख? 30 अप्रैल 1985। 30 अप्रैल? हाँ 30 अप्रैल जी। समय? रात 1 बजे। और स्थान? यवतमाल। क्या सवाल है आपके? शादी के बारे में पूछना है और कोई कोई लगेगी इसके बारे में जी। बिल्कुल जी। देखिए, जो कुंडली है कुंभ लग्न की कुंडली बनती है और सिंह राशि है। चंद्रमा की महादशा राहु की अंतरदशा चल रही है। राहु की अंतरदशा 29 मार्च 2017 को खत्म होगी। अड़चने आएंगी नौकरी से संबंधित, वैसे भी मतलब उतार चढ़ाव नोक झोंक होता रहेगा। इनके लिए उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए, पन्ना धारण करवाइए। और साथ ही साथ रही बात नौकरी की, बहुत अच्छी स्थिति मार्च 2017 से आएगी, लेकिन प्रत्येक शनिवार के दिन संध्या के समय में शनि स्त्रोत का पाठ करना ये शुरू कर दें, इन्हें बहुत लाभ होगा। और जो बार बार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ये उतार चढ़ाव खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और फिलहाल इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे, कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम बात करेंगे आपके घर की खास दिशा के बारे में, जहाँ पे देवी देवता भी वास करते हैं। जी हाँ, ईशान कोण की बात हो रही है, उत्तर पूर्व दिशा इसे कहा जाता है। और इस दिशा की कुछ खास जानकारियां ये होंगी कि इस दिशा में कुछ खास दिए आपको प्रज्वलित करने होंगे, और ऐसा करने से कैसे आपके जीवन से खास समस्या दूर हो जाएगी। बहुत सारी जानकारियां जो कल हम आपको विस्तार से बताएंगे, जरूर जुड़िएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। एक हसीना जो दीवाना बना है, काश वो मुझे मिल जाए, कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका चाय। और भाभी जी कैसी हैं? मायके में है, ठीक ही रहती है वो। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेनिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। देश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में की फायरिंग। बीएसएफ ने दिया जवाब। एक आतंकी और 7 पाकिस्तानी रेंजर्स ढेर। जम्मू कश्मीर के सांभा में संदिग्ध जासूस गिरफ्तार। पकड़े गए संदिग्ध के पास से नक्शा, मोबाइल फोन और सिम बरामद। पाकिस्तान को सुरक्षा बलों की जानकारी देने का आरोप। हमासान के बीच एसपी की आज कार्यकारिणी की बैठक। शिवपाल के न्योते के बावजूद लखनऊ में जिला अध्यक्षों की बैठक में नहीं पहुंचे अखिलेश यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जाएंगे वडोदरा। प्रधानमंत्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी आज यूपी दौरे पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और राहुल गांधी के अमेठी जाएंगी स्मृति। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो कल सीज फायर उल्लंघन के दौरान अपने 7 जवानों को गंवाने के बावजूद पाकिस्तानी रेंजर्स सीज फायर तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स ने बीती रात जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर और रजौरी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर छोटे हथियारों से गोलीबारी करते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू के उपायुक्त सिमरनदीप सिंह के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से आरएसपुरा में